बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा पार्ट हुआ और पिछले पार्ट में बताया गया था कि किसी ईसीएम को किस तरीके से पहचाना जाता है कि वो पर्टिकुलर किस गाड़ी का है। तो उसी वाकिया हिस्से को आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले तो हम इस बोर्ड को बाहर निकालेंगे, और निकालने से पहले इसको चारों तरफ से हीट कर लिया जाता है, और हम हीट कर चुके हैं ताकि आपका वक्त बचाया जा सके। निकालने के बाद सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई कंपोनेंट गला हुआ तो नहीं है या कोई जल तो नहीं चुका है। चारों तरफ बेहतरीन निगाह डाल लें, ठीक है। अक्सर ये फिजिकल प्रॉब्लम भी आती हैं। अब वो ये ठीक है, इसके बाद हमें वर्ण तो नहीं है, कोई जला हुआ भी कंपोनेंट नहीं दिखाई दे रहा है इसमें आपको, बिल्कुल साफ़ सुथरा बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसकी जो सप्लाइयाँ हैं, डिफरेंट टाइप की सप्लाइयाँ हैं, 1.5 वोल्ट सप्लाई है, 3.3 वोल्ट सप्लाई है, 5 वोल्ट सप्लाई है, 6 वोल्ट सप्लाई है, 12 वोल्ट सप्लाई है, 22 वोल्ट सप्लाई है, 47 वोल्ट सप्लाई है, इन सारी सप्लाइयों का इम्पीडेंस चेक करेंगे। इम्पीडेंस विदाउट सप्लाई दिए हुए, मतलब हम अभी 12 वोल्ट सप्लाई नहीं देंगे, इम्पीडेंस चेक करेंगे। क्यों, कहीं कोई सप्लाई शॉर्ट तो नहीं है, कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है। अभी हम सप्लाई नहीं देंगे, पहले मल्टीमीटर से डायोड की रेंज पर इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट ठीक है, इम्पीडेंस इसका सही है। ये इंजेक्टर है, यहाँ पर भी अक्सर जो आईसी है यहाँ पर अक्सर कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट मिलते हैं, तो इधर भी ठीक दिख रहा है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम तो अभी दिख नहीं रही है इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम सप्लाई देते हैं। ईसीएम दो तरह के आते हैं वर्ना फ्लूडिक के, एक आता है डेल्फी का ईसीएम आता है, एक ईसीएम आता है बॉश का ईसीएम आता है। तो जब भी हम कनेक्शन करेंगे, सप्लाई देंगे, तो पहले तो ये क्लियर कर लें कि ईसीएम हमारा बॉश वाला है या डेल्फी वाला है। तो हमारा ईसीएम कौन सा हुआ, ये बॉश का ईसीएम है, तो ये भी मैच कर लें, हाँ बॉश का ईसीएम। अब अकॉर्डिंग टू इसके हम 12 वोल्ट सप्लाई, ग्राउंड यानी निगेटिव, इग्निशन यानी चाबी वाली सप्लाई, और एक रिले की सप्लाई, मतलब रिले चेक करेंगे, रिले को ऑन कर रहा है ये ईसीएम या नहीं कर रहा है। तो ये हम सारी सप्लाई हमने इसमें दे दी, ग्राउंड दे दिया, 12 वोल्ट दे दिया, इग्निशन दे दिया, रिले दे दिया। अब इसके बाद हम सप्लाई को स्विच प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं। ये मैंडेटरी है किसी भी ईसीएम को चेक करने के लिए, 12 वोल्ट, ग्राउंड यानी कि माइनस निगेटिव, और इग्निशन सप्लाई ये देना चाहिए। उसके बाद ये चेक करना कि रिले वगैरह वर्क कर रही है मेन, तो रिले वाला पिन को कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा बॉक्स है, कैन बॉक्स है, इसके अंदर रिले लगी हुई होती, तो हमने सप्लाई दी, इसको ऑन किया, फिर इग्निशन स्विच ऑन किया। इग्निशन स्विच ऑन करते ही हमने देखा कि ये रिले ऑन हो गई, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि चेक लाइट आ गई, माल फंक्शन लाइट आ गई है, ठीक है। तो फिलहाल एक बार इसे हम और दिखाते हैं आपको, ठीक। अब इग्निशन ऑन किया और चेक लाइट आ गई है। तो फिलहाल तो हमारी लग रहा है कि सारी सप्लाइयाँ जो हैं 1.5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट और 12 वोल्ट, 22 वोल्ट, 47 वोल्ट, ये सारी सप्लाइयाँ ओके दिख रही हैं हमारी। तो फिलहाल तो फर्स्ट उसमें तो ये सिम ठीक दिख रहा है हमको, क्योंकि कस्टमर ने यही कहा था कि कन्फर्म नहीं हो पा रहा है हमारा कि कहाँ प्रॉब्लम है, वायरिंग में प्रॉब्लम है या एसी में प्रॉब्लम है। तो जो अभी तक जो निगाह डाली उससे तो ये लग रहा है कि ईसीएम ठीक है, लेकिन इस पर हम अभी और चेक करेंगे, इसकी और सप्लाइयों को चेक करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंशाल्लाह ताला दूसरा वीडियो जल्द आएगा। थैंक यू सो मच।